देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली भारतीय रेलवे से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आए दिन रेल से यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी रेलवे से जुड़े कुछ ऐसे रोचक फैक्ट्स हैं जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। जैसे कि आप सभी ने जरूर देखा होगा, रेल की पटरियों के बीच और दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थर बिछे रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है रेल की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं और इनका काम क्या है, और ये पत्थर मेट्रो ट्रेन के पटरी पर क्यों नहीं होता, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, लेकिन ये इंट्रो के बाद। तो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आप सभी का हुआ एंड हाउ में। असल में ट्रेन की पटरी देखने में जितनी सिंपल लगती है, हकीकत में वो इतनी सिंपल नहीं है। रेलवे ट्रैक साधारण जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं, जिसके नीचे कंक्रीट के प्लेट बने होते हैं, जिसको स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, जिसे बालास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की दो लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल जमीन होती है। जनरली लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है। अकेले पटरी इतनी वजन संभाल नहीं सकते, इसलिए ट्रैक के वजन को संभालने में मेटल से बने ट्रैक के साथ कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर भी सहयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। इसके अलावा मेटल ट्रैक पर जब ट्रेन स्पीड में दौड़ती है तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होते हैं, जिससे पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है और साथ में बहुत ज्यादा नॉइज भी प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे में वाइब्रेशन और नॉइज कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए इन पत्थरों को बिछाए जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ट्रेन के ट्रैक पर बिछाई जाने वाली गिट्टी यानी पत्थर खास तरह की होती है। ये बालास्ट नुकीले होते हैं जो ज्यादा हिल डोल नहीं सकते, क्योंकि अगर इन गिट्टियों की जगह गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगेंगे और पटरियां अपनी जगह से हट जाएगी। ये पत्थर नुकीले होने के कारण एक दूसरे में मजबूत पकड़ बना लेते हैं, इसीलिए जब भी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो ये पत्थर आसानी से ट्रेन के फार को संभाल लेते हैं। ट्रैक पर अगर गिट्टी की बजाय मिट्टी होंगे तो घास और पेड़ पौधे उग जाएंगे, जिससे ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य यह भी है कि पटरियों में जल भराव की समस्या ना हो। यह बालास्ट एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो ये गिट्टियों से होते हुए जमीन पर चला जाता है, जिसकी वजह से पटरियों के बीच पानी इकट्ठा नहीं होता, जिससे पटरी सूखी और सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, यही था बालास्ट का कुछ इम्पोर्टेंट काम। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर ये बालास्ट ट्रेन के लिए इतना ही उपयोगी है तो ये मेट्रो ट्रेन के ट्रैक पर ये पत्थर बिछाए क्यों नहीं जाता। दरअसल आम रेलवे ट्रैक की तुलना में मेट्रो ट्रेन के ट्रैक बहुत बिजी रहते हैं। यहाँ से हर 5 से 10 मिनट में एक ट्रेन गुजरती है। ऐसे में इतनी बिजी ट्रैक पर पत्थर बिछाना और इसे मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा ज्यादातर मेट्रो ट्रैक गाउन लेवल पे नहीं होता, या तो ये जमीन से ऊपर होते हैं या फिर नीचे, इसीलिए भी पत्थरों को बिछाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए और वाइब्रेशन को कम करने के लिए मेट्रो ट्रैक मेटल की बजाय कंक्रीट के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।